संसार में सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जहां स्वार्थ होता है वहां नेचुरल प्यार हो जाता है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जहां हम अपना स्वार्थ रियलाइज करते हैं, मानते हैं, वहां हमारे मन का प्यार अपने आप हो जाता है। जितनी लिमिट में स्वार्थ रियलाइज करेंगे उतनी लिमिट में हमारा प्यार हो जाएगा। फिर भगवान से प्यार क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। अभ्यास करने की बात कहते हैं भगवान अर्जुन से। अभ्यासेन तो कौन्तेयो वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, अभ्यास करना होगा। क्यों अभ्यास करना होगा? संसार में तो एक सेकंड में होता है। हमारा स्वार्थ जहां हमने माना वही प्यार हो गया। सगी मां, सगा बाप, बेटा बेटी, बीबी पति सब भाड़ में जाए, गोली मार देते हैं लोग। रोज आप लोग देखते हैं। और स्वार्थ शब्द का अर्थ जानने में गड़बड़ है। स्वार्थ माने क्या? स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, अपना मतलब। अपना माने मैं का, मैं माने बस, यही गड़बड़ है। मैं माने आत्मा और हम मैं माने मानते हैं देह, बस सारा झगड़ा इसी में, इसी एक शब्द के पीछे अनंत जन्म बर्बाद हो गए। 84 लाख में घूमते घूमते हम मर गए। लेकिन एक अक्षर का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके कि मैं का अर्थ आत्मा होता है, शरीर नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, पुत्र दारात बंधु नाम संगम पांथ संगम। अरे मनुष्यों, स्त्री पति पुत्र और भी जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनका संबंध पांथ संगम संबंध है। पांथ माने जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हो। अब हमारे कंपार्टमेंट में 10-20-50 आदमी बैठे हैं, कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा। जब तक वो हमारे साथ है हम उससे एंजॉयमेंट अपने मन का करते रहते हैं। आप कहाँ जाएंगे, क्या करते हैं, कितने बाल बच्चे हैं आपके, तमाम बातें फालतू बैठे हैं, क्या करें। लेकिन जब उसका स्टेशन आ गया तो कहता है, अच्छा अब हम चलते हैं। आप चले जाएंगे तो फिर मेरा कैसे टाइम कटेगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। साहब तो ये तो
आप भी चलिए हमारे साथ। अरे साहब क्या गजब करते हैं, आपके साथ मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो इलाहाबाद जाना। तो फिर साहब तो ऐसे ही है, हमको जाना ही है, आपको अपने रास्ते इलाहाबाद जाना है, कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े योगी हुए, ऋषि मुनि संत महात्माओं के बाप जगत गुरु, टाइम हो गया जाइए, सम्मान से चलिए, अगर संत महात्मा है और अगर मायाबद्ध है तो चल गधे, बहुत पाप किया है नरक में चल। तो देखिए जाना सबको है, तो ये रास्ते का संबंध है। अनंत माँ बन चुकी, अनंत बाप बन चुके, अनंत बेटा बेटी बन चुके, हर जन्म में बनते, मनुष्य ही नहीं कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में भी गए, वहां भी बहुत कुछ बने। लगे रात कुछ दिन का, और वो भी जब तक स्वार्थ सिद्ध हो, हमारे अनुकूल रहे माँ बाप बेटा स्त्री पति, तब तक प्यार। अनुकूल नहीं प्यार खत्म। तो ये भगवान से प्यार इसलिए नहीं होता कि हम अपने को, मैं को आत्मा नहीं मानते, वरना अगर मैं को आत्मा मान ले तो फिर मैं कौन है, आत्मा माने परमात्मा का अंश, उनका बेटा, उनकी प्रेयसी, उनकी सब कुछ, और वे आत्मा के सब कुछ, और यहां कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो तरंग का तरंग से संबंध हुआ, थोड़ी देर का फिर खत्म। समुद्र से संबंध नित्य है, ऐसे ही जीवात्मा का जीवात्मा से संबंध क्षणिक, वो भी अनुकूलता तक। एक एक शब्द पर ध्यान दो, अनुकूल जब तक रहे मां बाप बेटा स्त्री पति, अनुकूल मुआफिक, हमारी बात माने, हमारे स्वार्थ को सिद्ध करे, तब तक प्यार। अरे एक दिन में 10 बार 10 तरह की हमारी प्यार की कक्षाएं होती हैं मां बाप बेटा स्त्री पति से। अभी हमने कहा पिताजी हमको एक मोटरसाइकिल ला दीजिए, पैसा नहीं है। क्या बाप मिला है, एक सेकंड में। तो मैं को समझना है, मैं को समझना है, मैं को आत्मा रियलाइज करना है। इसके रियलाइज करने के लिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अभ्यास करो। क्यों? इसलिए कि तुमने मैं को देह मानने का अभ्यास बहुत किया, अनंत जन्म किया, और इस जन्म में भी किया। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये तमाम बीमारियां इस शरीर को मान मान के पाला, इसका बड़ा अभ्यास किया। मैं आत्मा हूं ये तो सोचे ही नहीं कभी।
कोई संत महात्मा मिल गए और समझाया तो थोड़ी देर को, हाँ यार बात तो ठीक है, जब कोई मर जाता है तो वो जब चला जाता है वो है असली मैं, उसके जाने के बाद तो शरीर को हम लोग नहीं कहते, ये हमारा पति है, बाप है, बेटा है, और निकाल बाहर करो, जला दो। यानी बहुत कम टाइम पूरी लाइफ में, 0.1% भी नहीं ऐसा हमारा गया जिसमें हमने ये रियलाइज किया हो मैं आत्मा हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अभ्यासे न तु कौन्तेय, बार बार सोचो मैं आत्मा हूं, मेरा केवल हरि गुरु ही सब कुछ है, और संसार में मेरा कोई हितैषी नहीं, सब मेरा खून चूसने वाले, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं, पिताजी हो, माताजी हो, खोपड़ा जी हो, कोई हो, एक्टिंग करके, मीठे मीठे वाक्य बना करके हम लोग संसार में स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उसी को बाप माँ बेटा स्त्री पति कहते हैं। तो मैं आत्मा है ये अनुभव करते हैं, कोई शास्त्र में लिखा है इसलिए मान ले, ऐसा नहीं, रोज अनुभव करते हैं, ए मेरा बाप है, हाँ बाप है, बाप है, बाप है, ठीक है बाप है, ए मर गया तो अब भी बाप है, नहीं 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 अब तो बाहर करो, अरे घर का मालिक है, मालिक था वो चला गया, वो चला गया जो, उसको तुम क्यों नहीं कहते कि वो आत्मा है और वही सब कुछ है। आत्मा रियलाइज करने का अभ्यास करना होगा, और अगर अपने को आत्मा रियलाइज करोगे तो मेरा परमात्मा ही है ये भी रियलाइज करोगे, मेरा कौन है फिर। तो भगवान ने हमारे लिए एक रियायत की है, क्या कि संसार में तो हमको एक बाप चाहिए, एक मां चाहिए, एक बेटा बेटी, बहन भाई, सब तमाम नाते होते हैं, ये सब चाहते हैं, सब तरह के लोग हों हमारे पास, जैसे आज भैया दूज है, मेरे बहन नहीं है, बहन होती तो क्या हो के मर गई, ये कमी हमको फील होती है। तो भगवान कहते हैं तुम हमको सब कुछ मान लो, सब कुछ, पति भी, बाप भी, बेटा भी। हे राम 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 राम, संसार में तो ये सोचना भी पाप है, हम अपने पति को बाप मान ले, बाप को पति मान ले, हाँ संसार में पाप पाप है, सब कुछ है, ठीक है, भगवान ने रियायत की है हमारे लिए, कुछ तुम और कहीं मत जाओ, सब नाते मुझसे जोड़ लो, और फैक्ट में जीवात्मा का और कोई नातेदार है ही नहीं, ये तो बनावटी है, शरीर के नातेदार हैं। जब तुमने मान लिया मैं जीव हूं तो फिर सब बातें खत्म, कट गए सब, अब एक्टिंग करो, व्यवहार करो, तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तुम भी अच्छा करो, ठीक है, संसार तो व्यवहार से ही चलेगा। अपने को आत्मा मानकर कोई व्यक्ति हमेशा रहेगा और व्यवहार नहीं करेगा तो लोग उसको पागलखाने में बंद कर देंगे,
तो व्यवहार तो करो, अपनी ड्यूटी करो भाई। अब ब्याह किया है तो बीबी को खिलाना पिलाना तो है ही है, अब बेटा पैदा हुआ है तो इसको पालन पोषण तो करना ही है, लेकिन ये मर गया तो रोना नहीं है। इसके दुख सुख में हम दुखी सुखी नहीं होते। हमारे चार बच्चे हो गए, आठ बच्चे हो गए, और रोज कोई ना कोई दुखी होगा, कोई बीमार होगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई मरेगा, हम यही क्या करें। अब अपना दुख तो अलग है, ये शरीर का भी दुख है, अपना मन बुद्धि का भी दुख है, काम क्रोध लोभ मोह का भी दुख है, वो भी भोग है, और इन लोगों का भी भोग है। पागल है क्या? वो अपना भोग है, हम अपना भोगेंगे। ये बुद्धिमत्ता है। आखिर हम किसी के मरने पर क्यों रोते हैं? क्या ये जानते हैं कि ये कभी नहीं मरेगा, या ये जानते हैं कि ये 100 वर्ष का होके ही मरेगा? नहीं नहीं, रोज देखते हैं, एक पैदा होते ही मर गया, एक आईएएस करके आ रहा था रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मर गया, एक का ब्याह हो रहा था 6 चक्कर हो गया था, 7वें चक्कर में चक्कर आया मर गया। हाँ देख तो रहे हैं। तो फिर तुम अपने बाप माँ बेटा स्त्री पति को क्यों मानते हो कि ये नहीं मरेगा, और अगर मर गया तो क्यों दुखी होते हो? इससे बड़ी क्या मूर्खता है। और फिर कहते हो मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, हमको इसने मूर्ख कहा, मैं इसका जबान खींच लूंगा। अरे जबान अपनी खींचो, सचमुच के तुम घोर मूर्ख हो दूसरे की जबान क्या खींच रहे हो? अनावश्यक दुखी हो रहे हो तुम, पराये को अपना मान मान के। तो भगवान से हमारा प्यार इसलिए नहीं हो पाता कि हम अपने को आत्मा नहीं मानते, और भगवान ही हमारा सब कुछ है, ही भी नहीं, भी तो हमने बहुत माना, भगवान भी हमारा है, गुरु भी हमारा है, अब बाप भी हमारा है, माँ भी हमारी है, बेटा भी हमारा है, ए लो दोनों ओर चल रहे हो। भगवान कहते हैं ये घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, एक कपड़े में साबुन लगाओ फिर गंदगी में डुबो दो, फिर साबुन लगाओ फिर गंदगी में डुबो दो, ये तो कभी नहीं धुलेगा, फट जाएगा कपड़ा। यही तो कर रहे हैं हम लोग, सत्संग भी करते हैं, भगवान का राम नाम क्या श्याम श्याम भी करते हैं, दो आंसू भी बहा देते हैं, और उधर बेटी विदा हुई वहां भी दो आंसू, बेटा मर गया वहां भी दो आंसू। ये क्या है? ये मन गंदा है, इसको शुद्ध करना है तो हमेशा शुद्ध ही शुद्ध आवे, अशुद्ध ना आने पावे। हरि गुरु दो ही शुद्ध हैं, अशुद्ध को अंदर आने दिया तो क्या हुआ, 1 लाख कमाया चौरस्ते पर धर के, रात को आके सो गए, सवेरे गए क्यों ले आए जहां चौरस्ते पर रखा है, अरे वो गया आपका अंदर आयो, तुमने तो लुटेरों को दे दिया, उसी घर में भगवान को, उसी घर में गंदे लोगों को, कूड़ा कबाड़ा को। तो ही लगाना है, अपने को आत्मा मानो नंबर 1, भगवान को ही अपना सब कुछ मानो नंबर 2, और सदा मानने का अभ्यास करो नंबर 3। बस इतना सा ज्ञान, और शास्त्र वेद में कुछ नहीं लिखा है। अगर आप लोग समझते हो कि अगर हम शास्त्र वेद जानते होते तो कमाल कर देते,
अरे और कुछ नहीं लिखा है, यही लिखा है बस, घूम घूम के निचोड़ बता रहा हूं मैं। वो जो सामने दोहा देख रहे हैं आप लोग, हरि गुरु को ही भजो मन से और नित निरंतर और अनन्य भाव से, अन्य को मत आने दो मन में, और निष्काम भाव से संसार की कामना लेकर भगवान और गुरु के पास न जाओ। बस इतनी सा ज्ञान है, इसका अभ्यास करना होगा। कोई गुरु तुम्हारा बाप मां बेटा बन करके आया हो तो भी कुछ नहीं कर सकता, अभ्यास तुमको करना पड़ेगा। भगवान जिसके मामा अर्जुन गीता ज्ञानी, जिसका बाप वेद व्यास ब्याह कराने वाले, तो वो उत्तरा विधवा हो गई, सब बैठे हैं, तीनों भगवान हैं, शोक मना रहे हैं। अरे कुछ को जिंदा कर दो ना, हमारे इंडिया में तो एक पंडित जी को बुला के और 500 रुपया दे के और मृत्युंजय का जाप करवाते हैं लोग कि ये मरने न पावे। और बड़े बड़े भगवान बैठे हो, ये मर गए, हाँ जी वो मर गया, हम कुछ नहीं कर सकते, इलीगल मामला है, हम इसमें इंटरफियर नहीं करते। जज कहता है वही कोर्ट में आना, वही बात करना, रास्ते में हम बात नहीं करते। इसलिए सावधान होकर के हमको क्षण क्षण अभ्यास करने में लगाना है।